सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखण वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों दी वल। सैन फ्रांसिस्को च भारतीय व्यापार दूत घर ते हमले का मामला 10 दोषियों की तस्वीर की गई जारी, लोगों को इन्हां दी सूचनावां देने की की अपील। निजर की हत्या से पाकिस्तान ने कनेडा नाल मिलाया हाथ, भारत खिलाफ उगलिया जहर। भारत ने यूएन च पाकिस्तान की लगाई क्लास, अतवादी फैक्ट्री बंद करे पाकिस्तान, पॉक तुरंत करे खाली। हुण खबरां विस्थार दे नाल। पाकिस्तान दे कार्यकारी प्रधानमंत्री अनवल उल हक ककड़ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा नूं संबोधन च जम्मू कश्मीर दा मुद्दा उठाउंदिया कहा कि नवी दिल्ली ते इस्लामाबाद विचाले शांति लई कश्मीर महत्वपूर्ण है। खालिस्तानी अतवादी हरदीप सिंह निजर की हत्या के मामले ते कनेडा दा पक्ष पूरदिया उन्होंने निजर की हत्या नूं मनभागा करार दिंदिया भारत ते निशाना साधिया ते इस दी तुलना ISIS नाल कीती। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने मार्च च अमरीका के सैन फ्रांसिस्को च भारतीय व्यापार दूत करते हुए हमले च शामिल 10 दोषियों की तस्वीर जारी की थी। लोगों को इन बारे सूचना देने लिए कहा है। NIA ने लोड़ींदे दोषियों विरुद्ध पछाण की अपील से सूचना के संबंध में 3 नोटिस जारी किए हैं। जिहियां सूचनावां मंगियां ने जो दोषियों को गिरफ्तार करन जां फड़न च मददगार साबित होण, इस संबंध जारी 2 नोटिसों च हरेक च 2 दोषियों की तस्वीर ने, जदों की तीजे नोटिस च मामले के होर 6 दोषियों की तस्वीर ने। एजेंसी ने दोषियों बारे जानकारी देने वाले किसी भी व्यक्ति की पछाण जनतक ना करन दा वादा किया। NIA अनुसार 18 ते 19 मार्च की दरमियानी रात सैन फ्रांसिस्को च भारतीय व्यापार दूत घर के हमले तो बाद मामला दर्ज किया गया। पंजाब दे सिक्ख्या खेतर लई एक अहम दिन है क्योंकि अज स्कूल सिक्ख्या विभाग दे 60 प्रिंसीपल दा 5वां ते 6वां बैच सिंगापुर लई रवाना किया गया। पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस ने प्रिंसीपलां नूं हरी झंडी दिखा के रवाना किया। इस दौरान हरजोत बैंस ने दस्सिया कि पंजाब दे स्कूली खेतर विच कई वड्डे बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार वल्लों सिक्ख्या दे पद्धर नूं उच्चा चुकण लई हर संभव यतन किए जा रहे हैं। तक सरकारी स्कूलों के सिर्फ नैगेटिव स्टोरीज़ कि जी आ हो गया आ हो गया, पर हुण पॉजिटिव स्टोरीज़ है तो एक बड़ा मील पत्थर है। तो इदा ही फॉरन एजुकेशन की जी ट्रेनिंग वो भी चलती रहेगी, विदेश भी देश भी, तो इस नाल ही बाकी सारे टीचर्स के लिए तकरीबन 1 लाख टीचर्स है उन्होंने लिए जी लोकल ट्रेनिंग है असं उस भी टोटल रीवैम्प कर रहे हैं, उसनों समय का हानि बना रहे हैं, अपनी डाइट्स स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि जो टीचर हो वो सीख सके, नवी टैक्नीक सीख सके, ते बच्चियां दी ते पंजाब दी सेवा कर सके, ते पंजाब दा जिहड़ा भविख है उज्जवल हो सके। सर कितनी आगे से बढ़ गई है सर एडमिशन सरकारी स्कूलों में? मैं थानू दस दिंदा जी, रिकॉर्ड जिहड़ा दाखला जिहड़ा वधिया है, हिंदी च भी कर देंगे, रिकॉर्ड दाखला वधिया जी। जिहड़ी पहली क्लास हुंदी है प्री प्राइमरी, 17% तो वध दाखला पहली बारी होया कि प्री प्राइमरी दे विच एडमिशन 2 लाख दे फिगर नूं क्रॉस कीतियां ने। तो उस दे विच भी खुशी ये हुंदी है जिहड़े सब तो पिछले जिले सी सिक्ख्या दे नाम फील्ड दे विच तरन तारन 25% तो वध उत्थे बच्चे वधे है। सो एक वड्डी कामयाबी है, पंजाब के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड इनरोलमेंट इनक्रीज हुआ है। 17% जो हमारी पहली कक्षा होती है प्री प्राइमरी, उसमें ये इनरोलमेंट इनक्रीज हुआ है, जिससे ये साफ पता लगता है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी स्कूलों पर विश्वास हो गया।
पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय मंच की दुरवरतों करके कश्मीरी राग बचाने तो गुरेज नहीं कर रहा। पाकिस्तान के कार्यकारी प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सैशन को संबोधन करते हुए एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा चुकया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र तो कश्मीर से मता पास करने उत्थे फौजी दखल देने की मांग की है। भारत ने इसका ढुकवा जवाब दिता है। पाकिस्तान को शीशा दिखाते हुए पेटल गहलोत ने कहा कि तुम्हें मुंबई हमले के उन्होंने अतवादियों खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। India has imposed extended lockdowns and curfews, jailed all genuine Kashmiri leaders, violently suppressed peaceful protests, resorted to extrajudicial killings of innocent Kashmiris in fake encounters and so-called cordon and search operations, and imposed collective punishments destroying entire villages. Access to occupied Kashmir demanded by the UN High Commission for Human Rights and over a dozen special rapporteurs has been denied by New Delhi. Mr. President, the UN Security Council must secure the implementation of its resolution on Kashmir. The UN Military Observer Group for India and Pakistan should be reinforced. Global powers should convince New Delhi to accept Pakistan's offer of mutual restraint on strategic and conventional weapons. कपूरथला तो वड्डी खबर सामने आ रही जिथे 22 साला कबड्डी खिडारी दा कुछ नौजवानों वल्लों कतल कर दिता गया। थाना ढिलवां दी पुलिस ने 6 दोषियों खिलाफ मामला दर्ज कर लिया ते 2 दी गिरफ्तारी भी पुलिस वल्लों की जा चुकी है। पुलिस ने दस्सिया कि ढिलवां विच हरदीप सिंह नां दे कबड्डी खिडारी तलवारां ते होर हथियारां नाल हत्या की गई है। कपूरथला दे एसपी राजपाल सिंह संधू ने दस्सिया कि कतल की वजह आपसी रंजिश है। पुलिस ने दस्सिया कि बाकी मुलजमान नूं जल्द ही फड़ लिया जाएगा। पुलिस ने ढिलवां पुलिस थाने विच मामला दर्ज कर लिया। मृतक दे पिता ने अपनी शिकायत दस्सिया कि 5 तो 6 लोग उसके घर आए जो दरवाजा खड़का के चीख रहे सन कि उन्होंने उनके पुत को मार दिता। पुलिस ने शिकायतकर्ता के हवाले नाल दस्सिया कि जो उन्होंने दरवाजा खोलिया तो पुत गंभीर जख्मी से उसनों जलंधर के सरकारी हस्पताल लै गए जिथे डाक्टर ने उसनों मृतक ऐलान दिता। उधर इस मामले में लैके श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने मौजूदा मान सरकार से निशाना साधे। छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित सुकमा जिले में नक्सली घटनावां कारण पिछले 25 सालों तो हनेरे डुबे 7 पिंडों को बिजली ग्रिड तो बिजली मिली है, जिस पिछों इन्हां पिंडों के 342 परिवारों ने खुशी मनाई। अधिकारियों ने जानकारी दिंदा दस्सिया कि इन्हां दी पिंडों नूं खब्बे पक्षी कट्टरपंथियों की मार चलनी पई। 1990 के दहाके के अखीर में नक्सली ने इन्हां पिंडों में बिजली के खंभियां ते बुनियादी ढांचे नुकसान पहुंचाया सी, जिस कारण स्थानक लोगों नूं बिजली की सप्लाई तो वांझे रखा गया सी। अधिकारियों ने दस्सिया कि कुछ घरों च बल्ब जगाउण ते पखा चलाउण लई सूरजी ऊर्जा राहीं बिजली सप्लाई की जाती सी, पर इस दे रख रखाव विच भी दिक्कतां आउंदियां ने। जिला अधिकारी ने दस्सिया कि 7 पिंडों विच बिजली आउण नाल लगभग 342 परिवारों को फायदा होया। उन्होंने कहा कि खेतर के होर पिंडों च भी जल्दी बिजली पहुंचाई जाएगी। मोगा के पिंड रौली च 2 परिवारों विच जम के लड़ाई होने की खबर है, जिस दौरान जख्मी हुए एक व्यक्ति नूं सिविल हस्पताल भर्ती करवाया गया। इस मौके जख्मी व्यक्ति की मां ने दस्सिया कि उसके द्योर ते उसके लड़कियां ने उसके लड़के नूं घेर के बुरी तरह कुटमार की, जिस कारण उसका बेटा बुरी तरह नाल जख्मी हो गया, जिसनों सिविल हस्पताल च दाखिल करवाया गया। उन्होंने दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दूजे पास जांच अधिकारी सुखपाल सिंह ने कहा कि उन्होंने वालों जख्मी व्यक्ति के बयान दर्ज कर ले गए ने, जांच पड़ताल करने तो बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਸਾਰੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਬੂ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਜੇਠ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਮਨ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸੱਟ ਲਏ, ਰੱਜ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋਈ? ਕਾਰਨ ਬਸ ਇਹੀ ਆ, ਜੂਏ ਜੱਪੇ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਸਕੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਪੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜਕੇ ਠਾਣੇ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। गुरदासपुर के सरहदी कस्बा डेरा बाबा नानक तो एक गंभीर मामला सामने आया, जिथे एक नौजवान सोशल मीडिया राही मिली एक लड़की ने ब्याह करवा के विदेश ले जाने का झांसा दे के 5 लाख रुपए की ठगी मारी।
पिंड पखो के टाली साहब के वसनीक राजा मशीर ते उसके परिवारक मैंबर ने दसिया कि कुछ समा पहला राजा दुबई विखे काम करके आए तो जुलाई 2023 फेसबुक से एक लड़की ने उसनु मैसेज किया कि मैं लंबे समय तो लंडन च रहनी हाँ तुहाडे नाल दोस्ती करना चाहनी हां। राजा ने दसिया कि उसने भी दोस्ती लई हामी भर दी कई दिन तक चैटिंग करते रहे। एक दिन उकत लड़की ने फोन से कहा कि उस नाल ब्याह करवाना चाहती है तो उसनु जल्द ही लंडन बुला लेगी। लड़की ने कागजी कार्रवाई लई व्हाट्सएप से सारे दस्तावेज भी मंगवा ले। राजा ने दसिया कि अगले दिन जदों वह दसी जगह से रंजीत एवन्यू पार्क पहुंचा तो उत्थे एक लड़की ते उस नाल उसके दो साथी पैसे ते दस्तावेज लै गए। उस तो बाद उकत लड़की के मोबाइल नंबर बंद हो गए जिस कारण उसनु एहसास हो गया कि उस नाल वड्डी ठगी हुई है। उसने पुलिस को मांग की कि उकत ठग लड़की ते उसके साथियों का पता लगा के कार्रवाई की जाए। अमृतसर पटना के रहने वाले एक परिवार का बच्चा अमृतसर च लापता हो गया। इस मौके लड़के के पीड़ित परिवार ने मीडिया नाल गल करदे कहा कि उन्हां दा लड़का जिसका नाम आशीष है वह दिल्ली विच अपने मामे के घर रखड़ी बनाउण आया सी जिथों यह नौजवान लापता हो गया जिसकी दिल्ली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। परिवार ने उसनू लभण की कोशिश की पर वह नहीं मिलिया। दो दिनों तो लापता नौजवान आशीष के परिवार वालों को फोन आया कि अमृतसर च है। परिवार च खुशी की लहर दौड़ गई तो आशीष नूं लैण लई अमृतसर पहुंचे पर अमृतसर तो भी आशीष के लापता होने की शिकायत दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। जिस नंबर तो आशीष के परिवार को फोन आया उस नौजवान का कहना है कि आशीष उन्होंने कोल काम करता सी ते वह अज अचानक ही गायब हो गया। थाना मोहकमपुरा के पुलिस अधिकारी ने कहा कि लापता हुए बच्चे की भाल की जा रही। एक दिल्ली तो पार्टी सुबह अज इतने थाने साढ़े को आई भी उन्होंने कहा भी साडा बच्चा आशीष ना का लड़का वा उ गुम होया वा दिल्ली के उत्थे उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। इन्होंने इतने कदम काम करता है उन्होंने उन्होंने फोन करके ता लड़का इतने साढ़े को आ गया अपना लड़का लै जाओ। वो जो लैन आए उन्होंने कदम पता लग गया इन्हों के कहन के मुताबिक उन्होंने कदम पता लग गया भी ये मेरे माँ प्यो लैन आए तो इतों फिर अगे कि फिर गाम शाह हो गया भज गया जी भाल जो इन्होंने नाल ही अजे कर रहे हैं जे इतने मिल गया ठीक है नहीं तो दिल्ली इन्हों की कंप्लेट लिखी ऑलरेडी गुमशुदगी। पराली नूं अग लगाउण तों रोकण लई किसानां नूं प्रेरित करन लई खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग पंजाब जिला फाजिलका वलों तैयार कीतीआं गईआं जागरूकता वैनां नूं डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सेनू दुग्गल वलों हरी झंडी दे के रवाना कीता गया। इस मौके मुख खेतीबाड़ी अफसर डॉक्टर गुरमीत सिंह चीमा तों इलावा खेतीबाड़ी विभाग का स्टाफ मौजूद सी। डिप्टी कमिश्नर ने संबोधन करदे कहा कि जागरूकता वैनां चलाउण दा मकसद किसानां अंदर वध तों वध जागरूकता पैदा करना। उन्होंने कहा कि जागरूकता वैनां लड़ीवार जिले के समूह ब्लाकों में जाके पिंड पिंड प्रचार करनगीआं। उन्होंने किसानों नूं प्रेरित है कि वह पराली को आग ना लगा के वातावरण प्रेमी बनन ते अपनी आने वाली पीढ़ी लिए शुद्ध वातावरण मुहैया कराउण। पंजाब विच मानसून एक बार फिर एक्टिव मोड से आ गया। मौसम विभाग ने अज पंजाब ते हरियाणा सूबे के कई जिलों च मीह पैण की भविखबाणी की है जिसनों लैके येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग मुताबिक 30 तो 40 किलोमीटर की रफ्तार नाल तेज हवावां चल सकदियां ने। इस दे नाल ही गर्ज के नाल नाल हल्की तो दरमियानी वर्खा हो सकती है। बरसात कारण तापमान भी डिगण वाला है। सवेर तो ही पंजाब के कई जिलों च भारी मीह पै रहा। मौसम विभाग अनुसार सितंबर के अखीरले दिनों या अक्तूबर के पहले हफ्ते पंजाब चो मानसून की रवानगी संभव है। फाजिलका शहर च श्री गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा। हर पासे श्री गणपति बप्पा दे जयकारे गूंज रहे ने। धोबी घाट गली नंबर 4 विखे मनाए जा रहे गणेश उत्सव के चौथे दिन आम आदमी पार्टी की महिला विंग की आगू ते कौंसलर पूजा लुथरा सचदेवा ने अपने परिवार समेत गणेश पूजन किया ते गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके कौंसलर ने भगवान श्री गणेश जी की महिमा का गुणगान किया। इस दौरान कौंसलर ने कहा कि भगवान गणेश का पूजन सब तो उत्तम है क्योंकि हर शुभ काम करन तो पहला भगवान गणेश का पूजन होंगे। इस मौके कौंसलर ने श्रद्धालुओं श्री गणेश उत्सव से बधाई दी। कस्बा नडाला विच मोटरसाइकिल दे पिछे बैठी जा रही औरत दे कन्ना विचों लुटेरियां वलों झपटमार कन्ना च पाईआं वालियां झपट के फरार हो गए। इस संबंधी जानकारी दिंदियां सूबेदार सतपाल सिंह ने दस्सिया कि उह ते उसदी पत्नी बलविंदर कौर मोटरसाइकिल ते सवार होकर खरीदो फरोखत करन लई नडाले आ रहे सन ते दुपहर 12 बजे वह बिजली घर नडाला नेड़े पहुंचे तो पिछों की एक मोटरसाइकिल आया जिस ते दो नौजवान सवार सन ते पिछे बैठे नौजवान ने मोटरसाइकिल एकदम उन्हां कोल लिआंदा ते उसदी पत्नी दे कन्ना दीआं वालियां झपट के फरार हो गए। उन्होंने दस्सिया कि इस संबंधी
नडाला पुलिस नूं सूचित कर दिता गया। हुण नजर मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। धन्नवाद।